अभी हम शरारा कटिंग करेंगे। शरारा के लिए 3 मीटर कसर सिल्क कपड़ा और 3 मीटर बटर कैप कपड़ा। शरारे में सिर्फ 2 माप होते हैं, एक लेंथ होता है और दूसरा कम्बर होता है। सबसे पहला फ्रंट का पल्ला काटेंगे, इस तरह क्रॉस कर लेंगे। जैसा हम चूड़ीदार के लिए काटते हैं वैसे ही शरारे के लिए भी क्रॉस किया जाएगा। इस तरह सिंगल पल्ला। सबसे पहला कमर का माप लेंगे 31, इसको 4 में डिवाइड करेंगे, हुआ 7.5 इंच। हल्के से हम टेम्पररी 7.5 रखेंगे इधर से, इस तरह कमर का 4 में डिवाइड करेंगे, हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच को हम टेम्पररी मतलब रफ खाली ऐसे ही रखेंगे, यानी कि इस तरह। ये जो भाग पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट से हम यहाँ चेक करेंगे कि कितना इंच पे मार्किंग लगा हुआ है, यानी कि 11 इंच पे। 11 इंच को हम टोटल इस तरह करेंगे। इस तरह अब हल्के से एक मार्किंग निकाल देंगे इसके ऊपर। ये हुआ हमारा 7.5 इंच, ये सिलाई के लिए। यहां से हम एक्स्ट्रा काटेंगे 1/2 इंच सिलाई पकड़ने। 1/4 इंच का बेल्ट देंगे, बैक पे इलास्टिक देंगे और सामने बेल्ट दे देंगे 1/4 इंच का। 1/4 इंच को हम इसके ऊपर इसे रखेंगे मार्किंग। अब हमारा लेंथ है 38 है, तो 38 पे हम मार्किंग करेंगे 38। इसके लिए कि 38 लिया जा रहा है कि नीचे लेस लगाएंगे, हम 1/4 इंच वाला लेस लगाएंगे पूरा टोटल घेरे पे, तो 1 इंच उससे बढ़ जाएगा। अब ये हिस्सा यहाँ से यहाँ, यानी कि 37 हम पूरी तरह इस तरह लेके आएंगे 37 पे। ये हुआ 37। अब हल्के से इस सिर पर मार्किंग करेंगे। ये हुआ, ये हिस्से पे जॉइंट लगाएंगे हम। और एक बात, ये जब लेस लगाएंगे तो ये हिस्सा क्रॉस पे रहेगा, मतलब बनने के बाद में ज्यादा लटकेगा ये हिस्सा, तो इसके लिए सिर्फ 1 इंच कम काटेंगे यहां से, यानी कि यहां तक ही, ज्यादा नहीं, सामने के हिस्से तक, ये हिस्से तक, ये कैंसल। अगर ये टसर सिलिक है तो 1 इंच, जॉर्जेट है तो 1.5 इंच, 2 इंच, यानी कि बनने के बाद में फ्रंट की तरफ ना लटके बैक की तरफ कम ना ज्यादा हो, इस तरह। इसके बाद काटेंगे। सबसे पहले ये हिस्सा काट लेंगे, ये हुआ, एक चटका हल्का सा लगा देंगे इधर, यानी कि सेंटर के लिए। एक यहां से लेंगे, इस तरह। अब ये लटकेगा तो ये हिस्से पे आ जाएगा इस तरह। ये हुआ फ्रंट का हिस्सा। अब इसके बाद बैक काटेंगे।
अभी बैक का पल्ला काटेंगे हम, बैक का भी उसी तरह, यानी कि क्रॉस। अब जो फ्रेंड का पल्ला हमने डाला है, वो फ्रेंड का पल्ला इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह ये इसके लिए बढ़ाया गया है, बैक के तरफ में इलास्टिक रखेंगे तो इलास्टिक में कपड़ा खींचेगा, खींचने की वजह से रिंकल आ जाएगा पूरा, और हिप की लूजिंग भी इसी के अंदर आ गई हमारी। हमने रखा इस पे 3.5 इंच, 3.5 डबल पे हो गया 7 इंच। फिर इसको काट लेंगे। एक चटका बैक की तरफ, ये हुआ इस तरह, और यहां से हमको स्लिप करना है एकदम, यानी कि ये हिस्सा बराबर रहेगा उस तरफ में पूरा कट जाएगा, फ्रंट बैक बराबर रहे, इक्वल। इस तरह सिर्फ इलास्टिक का हिस्सा ही लूजिंग रहे, घेरा ना रहे। इसके बाद इसका जॉइंट काट देंगे। जॉइंट हम बैक के हिसाब से निकालेंगे, बैक का जॉइंट हुआ है इधर, यानी कि इस तरह। हम इसमें से एक ही पल्ला निकालेंगे, खाली सिंगल पल्ला। ये हुआ इस तरह, एक जॉइंट इधर फ्रेंड के तरफ और एक जॉइंट बाइक के तरफ में। हम थोड़े रफ काट लेंगे, हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसा। यानी कि ये जितना हमने दिया है उसके 1 इंच यहां तक है कपड़ा हमारा सिलाई के लिए। इसको आधा कर देंगे।
शरारा कटिंग, ये इस तरह का जॉइंट, इस तरह। अब बेल्ट तो हम 1.5 इंच का डालेंगे, तो उसके लिए हम कैनवास भी डालेंगे उसके अंदर। 1.5 इंच का कैनवास फ्रंट के तरफ में और 1 इंच का इलास्टिक बैक के तरफ में। अब इसके बाद में इसका इनर काट लेंगे हम। इनर को पहला हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसको डबल कर लेंगे इस तरह चौबल। ये थोड़ा बराबर कर लेंगे कपड़ा। इसको पहले नीचे से थोड़ा रफ काटेंगे। हल्के से राउंडिंग निकाल देंगे इधर इस तरह। 2 इंच कम कर, 1.5 इंच कम कर देंगे हम इस तरह, 1.5 इंच कम। अभी हम फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे पहला इस तरह, यहाँ से गहरा हम नीचे तक लेंगे, यानी कि इस तरह यहाँ तक का ये हुआ। यहाँ से सीधा मार्किंग, ये हुआ फ्रंट का हिस्सा। बैक के हिस्से को लेंगे। बैक का हिस्सा भी हमारा इधर तक ही आ रहा है, यहां तक आ रहा है। अब उसी तरह फ्रंट के हिस्से को काट के बैक का वापस नीचे तक मिलाएंगे हम। सिंगल पल्ला काटेंगे इधर से, ये हुआ सिंगल पल्ला। अभी बैग वापस डालेंगे इसके ऊपर। यहां तक लेंगे, अब ये हिस्से को हम इसमें मिला लेंगे। इस तरह अब कटिंग करेंगे। ये हुआ फ्रंट का हिस्सा, ये हुआ बैक का हिस्सा। हल्के से चटका लगा दीजिए। ये हुआ शरारा आपका। अब इसके बाद सिलाएंगे हम।